हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये एक एग्जांपल है। लेटर ऑफ क्रेडिट को समझने से पहले हम लोग एक सिंपल वे ऑफ ट्रेड को समझते हैं। देखिए स्क्रीन पे आपको यहाँ पर एक बायर और एक सेलर दिख रहा है। अभी हम एज्यूम करते हैं कि हम लोग अपने एक सिटी के मार्केट में है जहाँ पर हम लोगों को कोई चीज परचेस करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सेलर के पास जाते हैं और उससे परचेस करके उसको अमाउंट देके गुड्स को घर लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पर बायर क्या करता है, इसको रुपीज देता है, यहाँ पर पैसे यहाँ पर देता है और गुड्स लेके चले जाता है। ये एक बिल्कुल सिंपल वे ऑफ ट्रेड है। सेलर के पास पैसा मिल जाता है सेलर को और बायर के पास उसको गुड्स मिल जाता है। तो ये तो हमने देखा कि कितना सिंपल वे है एक ट्रेड करने का। तो अब फ्रेंड इमेजिन करिए कि बायर और सेलर दोनों डिफरेंट कंट्रीज में है, या अगर किसी एक कंट्री में भी है पर दूर रहते हैं काफी, तो उनके लिए ट्रेड करना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि बायर यहाँ पर पहले बोलेगा कि आप एक काम करिए, पहले मुझे गुड्स दे दीजिए तो मैं आपको फंड दे देता हूँ। सेलर बोलेगा कि पहले आप मुझे फंड दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको गुड्स की डिलीवरी कर दूंगा। तो इनके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ये वही है कि जूते दो पैसे लो, पैसे दो जूते लो, इस काइंड की सिचुएशन खड़ी हो गई यहाँ पर। तो आपने कभी फ्रेंड्स ये इमेजिन किया है कि ये लोग फिर ट्रेड कैसे करते होंगे? तो यही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो टू ओवरकम द सिचुएशन बिटवीन द बायर एंड सेलर, कि जहाँ पर बायर बोल रहा है कि पहले आप मुझे गुड्स दे दीजिए, सेलर बोल रहा है कि पहले आप मुझे फंड दे दीजिए, सो वी इंट्रोड्यूस लेटर ऑफ क्रेडिट हियर LC, और LC को ही हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। तो अब ऐसा कुछ करना है जहाँ पर बायर और सेलर दोनों मिलकर ट्रेड कर सकें। तो ट्रेड करने के लिए सबसे पहले लगता है ट्रस्ट और रीच, तभी तो वो फंड ट्रांसफर नहीं कर रहा है और वो गुड्स ट्रांसफर नहीं कर रहा है। तो कुछ ऐसा चाहिए जिसपे दोनों ट्रस्ट कर सके, पहुँच सके। तो एक ऐसा मीडियम है बैंक। बैंक एक ऐसा मीडियम है जहाँ पर बायर भी पहुँच सकता है और सेलर भी पहुँच सकता है और दोनों अपने अपने बैंक के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो बैंक यहाँ पर एज ए इंटरमीडियरी काम करता है और दोनों की ट्रेड को पॉसिबल करता है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग ये देखते हैं कि फाइनली जो हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट है वो वर्क कैसे करता है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये है बायर। बायर को हम लोग यहाँ बोलते हैं ओपनर और एप्लीकेंट, ठीक है। तो ये वो बंदा है जिसको गुड्स परचेस करना है। तो ये अपने बैंक के पास जाता है, लेट से कि वो बैंक है ICICI बैंक जो कि इंडिया के अंदर है। उस बैंक को हम लोग बोलते हैं ओपनिंग बैंक या इशूइंग बैंक, जो लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन करता है। तो इस बायर ने सारी डिटेल्स जो है सेलर के बारे में इस बैंक को बता दिया है कि जो सेलर है वो उसका अकाउंट जो है वो HSBC के साथ में है और मैं उससे मटेरियल परचेस कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये बैंक जो है अपने बिहाफ पे इसकी बैंक को कॉन्टेक्ट करती है, उसको हम लोग बोलते हैं एडवाइजिंग बैंक। सेलर की बैंक को कॉन्टेक्ट करती है और जो LC है, जो उसने LC ओपन की थी, वो एडवाइजिंग बैंक को सेंड कर देती है। एडवाइजिंग बैंक के पास LC आने के बाद एडवाइजिंग बैंक कॉन्टेक्ट करती है सेलर से और आस्क करती है, उससे पूछती है कि आपका एक LC ओपन हुआ है इतने अमाउंट का। तो उसके बाद सेलर इसको कंफर्म करने के बाद गुड्स को डिस्पैच करता है, गुड्स को डिस्पैच करता है। गुड्स सेंड करने के बाद, डिस्पैच करने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स है वो एडवाइजिंग बैंक को दे देता है। एडवाइजिंग बैंक उस डॉक्यूमेंट को दे देती है इशूइंग बैंक को, और इशूइंग बैंक वो डॉक्यूमेंट देता है जो बायर है। बायर को वो डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। तो बायर वो डॉक्यूमेंट को, जो भी अमाउंट होता है वो इशूइंग बैंक के पास अमाउंट देने के बाद वो डॉक्यूमेंट्स ले लेता है। उस डॉक्यूमेंट्स को वो गुड्स को, डॉक्यूमेंट लेने के बाद वो इन गुड्स को ले लेता है। तो इसमें एडवाइजिंग बैंक के यहाँ पर हमारे पास दो और बैंक होती है सेलर की कंट्री में। जो एडवाइजिंग बैंक होती है वो सेलर की कंट्री में होती है। एडवाइजिंग बैंक को कभी कभार कन्फर्म करने की जरूरत पड़ती है, तो कन्फर्मिंग बैंक भी होती है और एक बैंक और होती है रीइंबर्समेंट बैंक। अभी जो मैंने आपको LC की प्रोसेस दिखाई है बड़े इजी तरीके से दिखाई है, ये जितना इजी मैंने समझाया एक्चुअली में इतना इजी है नहीं। इस प्रोसेस को अगर अपन डिटेल में समझें तो हम लोग इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जहां पर हम LC की प्रोसेस को सेपरेट समझने की कोशिश करेंगे, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि एडवाइजिंग बैंक क्या है, इशूअर कौन है, इशूइंग बैंक क्या है, उसके पास के पावर्स क्या हैं, और कन्फर्मिंग बैंक के क्या रोल है, रीइंबर्समेंट बैंक के क्या रोल है, टाइप्स ऑफ LC क्या है। तो इसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये LC का टॉपिक समझ में आया तो वीडियो में जरूर कमेंट करके मुझे बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।